namaskar my name is gajendra das sharma and you are watching english and in this video we are going to explain top 10 mcqs related to english grammar integrated this video is primarily helpful for all sorts of examinations where english grammar is asked particularly for upcoming examination of tgt and pgt be it of nvs or uptgt pgt or jharkhand pgt moreover this is also beneficial for all sorts of banking or steno examinations first question is match the list a with b according to the function of but but ke different function ho sakte hain isme aur aapko match karna hai first wali entry dekhte hain his brother won't be there but his friends might but yahan pe aap samajh lijiye ki his friends might might be there तो be there यहाँ पे understood है लिखा इसलिए नहीं क्योंकि repetitive है वो उसका function यहाँ पे understood है अब एक क्लॉज ये हो गई एक क्लॉज ये हो गई जब बट किसी दो क्लॉजेस को या किन्नी दो क्लॉजेस को जोड़ सकता है जोड़ता है तो वो क्या हो जाता है कंजंक्शन अब कंजंक्शन कंपाउंड बना रहा है क्या बना रहा है वो एक अलग बात है यहाँ पे कंपाउंड ही बना रहा है इनफैक्ट लेकिन बट एंड फोर सो येट ये सब जो वर्ड्स होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं या फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस इनसे हमेशा कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बट जॉइंट टू डिफरेंट इंडिविजुअल या इनडिपेंडेंट क्लॉजेस सो उसका फंक्शन क्या हुआ कंजंक्शन का बट हेयर इज कंजंक्शन सेकेंड सेंटेंस एवरी वन वॉज देयर बट बट मीन्स यहाँ पे क्या सेंस है उसका एक्सेप्ट और एक्सेप्ट क्या होता है प्रपोजिशन उसके बाद में भी आप देख सकते हो बट के बाद में नाउन या प्रनाउन जो भी पीछे बताया था तो बट यहाँ पे क्या है प्रपोजिशन आई डोंट थिंक विल मैनेज इट स्टिल वी कैन बट ट्राई वी कैन बट ट्राई यानी कि यह बट किसको मॉडिफाई कर रहा है वर्ब इज एन एड वर्ब ये क्या हुआ एडवर्ब आई डोंट लाइक टू लिसन योर इप्स एंड बट अब इप्स एंड बट्स किसी भी ये अगर न जो प्लूरल किसका हो सकता है सिर्फ नाउन का ही हो सकता है चाहे वो कोई भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो अगर उसमें एस और ई एस लगा करके आप यूज करते हो तो वो क्या हो जाती है अगर वर्ब होगी तो सिंगुलर प्लुरल या तो वो वर्ब होगी या फिर वो नाउन होगा तो यहाँ पर वर्ब की तरह से तो यूज किया जा रहा ये पे नाउन की तरह यूज किया जा रहा है ये नाउन फर्स्ट सेंटेंस में कंजंक्शन क्योंकि दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है सेकेंड सेंटेंस में दो इंडिविजुअल पार्ट्स यानी कोई वर्ड्स नाउन प्रनाउन उनको जोड़ रहा है प्रपोजिशन थर्ड में वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इट इज एडवर्ब एंड फोर्थ में एक नाउन की तरह काम कर रहा है प्लूरल फॉर्म में नाउन नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस इट इज एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट दैट वी शुड लीव दिस प्लेस इट इज एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन अबाउट इफ वी शुड लीव द प्लेस इट इज एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन अबाउट वेदर वी शुड लीव दिस प्लेस और इट इज

रूल इट इज ऑलवेज टू बी रिमेम्बर्ड कोई भी, that clause कभी भी किसी भी प्रपोजिशन के बाद में नहीं आता इफ इट इज टू बी यूज इट इज यूज डायरेक्टली इट इज एम्पोर्टेंट डिस्कशन चाहिए हमें और नॉन क्लॉज में नॉन क्लॉज आपकी दैट क्लॉज होती है क्वेश्चन वर्ड क्लॉज दैट क्लॉज हो सकती है नॉन क्लॉज हो सकती है और इफ और वेदर ए फॉर वेदर वाली क्लॉज यानी नॉन क्लॉज स्टार्टिंग विद ए फॉर वेदर can be be preceded by any preposition. preposition However, one thing is to be noted, if or weather noun clause साथ ही यूज हो सकता है इफ वाली क्लॉज उस नाउन क्लॉज को जो कि इफ से स्टार्ट होती है वो यूज नहीं करते हैं इफ वाली क्लॉज नाउन क्लॉज कौन सी होती है जो नेरेशन में हम यूज करते हैं जनरली वहीं पे फॉलो किया जाता है अदरवाइज सब जगह वेदर वाली क्लॉज नाउन क्लॉज की तरह हम यूज करते हैं और उससे पहले कोई प्रपोजिशन आ सकता है सो इफ वी शुड लीव दिस प्लेस इज ऑल्सो नाउन क्लोज बट इट इज प्रिटेडेड बाई प्रशन इट इज एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन अबाउट वेदर वी शुड यूज इट इज एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन अबाउट वेदर वी शुड लीव दिस प्लेस दिस इज ऑल्सो नाउन क्लोज एंड इट starts with whether and whether any noun clause starting with whether can be preceded by any preposition. तो rule kya banta hai आपका noun clause starting with whether only whether can be preceded by a preposition. बाकी noun clause जो कि that से start होती है उसके पहले कोई preposition नहीं आता. noun clause जो कि if से start होती है उसके पहले कोई preposition नहीं आता. ये सिर्फ possible है कहाँ पर जो वेदर से स्टार्ट होती है नाउन क्लोज और उसके पहले प्रपोजिशन आ सकता है दिस ओनली करेक्ट सेंटेंस रेस्ट आर इनकरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट इन द द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ दैट इन दिस सेंटेंस हेयर इट इज दैट आई वॉज दैट स्केर्ड आई डिट नॉट नो वॉट टू डू अब देख लीजिए दैट के कई तरह के यूसेज होते हैं उन की तरह भी काम करता है दैट डिटरमिनर की तरह काम करता है दैट कंजंक्शन की तरह भी काम करता है अब यहाँ पे देखिए दैट किस तरीके से है अगर प्रनाउन की तरह होगा तो वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा अगर डिटर्मिनर की तरह होगा तो वो फिर किसके नाउन के आगे यूज किया जाएगा डिटर्मिनर विल क्वालिफाई और मोडिफाई अउन ओनली दैट कंजक्शन की तरह कब होगा वेन इट ज्वाइंट टू क्लॉजेस अब इन तीनों में से कोई स्ट्रक्चर है यहाँ पे तो देख लीजिए आई वॉज दैट आई नॉट नो स्केट टू डू यहाँ पे तीन क्लोजेज हैं आई वॉज दैट स्केर्ड आई डिट नॉट नो वॉट टू डू यानी दैट किसी क्लॉज को तो नहीं जोड़ रहा दैट की स्ट्रक्चर यहाँ पे यहाँ पे क्या है दैट प्लस स्केर्ड स्केर्ड इज पास्ट पार्टिसिप पास पार्टिसिपल वर्कस एज एन

ऑप्शन है फोर्थ जो फंक्शन है दैट 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 का एज एज एन 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 इज़ इज़ वेल सो द करेक्ट आंसर इट नॉट अ किसी पास्ट पार्टिसिपल को या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा हाइटेन करेगा यहाँ पे इंटेंसिटी यहाँ पे इसका फंक्शन भी क्या है इंटेंसिफाई करने के लिए स्केर्ल्ड को इंटेंसिफाई करने के लिए तो वो क्या होगा एडवर्ब नेक्स्ट क्वेश्चन द लाइटनिंग अ सीरियस फॉरेस्ट फायर एंड डेमेज मैनी नियर बाय प्लेसेस हाउसेस इट हैज टू बी मेड इन टू पैसिव पहले सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लीजिए द लाइटनिंग कॉज्ड सीरियस फॉरेस्ट फायर एंड डैमेज मैनी नियर बाय हाउस इस सेंटेंस को आप किस तरह की कैटेगरी में रखोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल इट इज अ सिंपल सेंटेंस The lightning is a subject caused a serious forest fire and damaged many nearby houses. ye hai predicate. Predicate comprises two parts. उन दोनों का subject क्या है lightning ही है. तो अब दोनों अगर different different verbs के साथ हैं तो दोनों को अलग अलग passive बना सकते हैं. वो ही हमें करना भी है. First a serious forest fire is caused. कॉज है तो वॉज कॉज एंड नियर बाय मैनी नियर बाय हाउसेज वर डैमेज बाय द लाइटनिंग दिस इज हाउ वी कैन मेक सेंटेंस अब इसके ऑप्शन की तरफ देख लीजिए फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट ऑप्शन फॉरेस्ट फायर हैज बीन कॉज है यहाँ पे क्या है आपका लाइटनिंग कॉज्ड यानी पास्ट फॉर्म इज टू बी कंसिडर्ड पास्ट फॉर्म जब होती है तो उसको किसमें करते हैं वर्ब बी इज अमार वॉज वर्क पर्टिकुलरली बी की फॉर्म जो आएगी इसमें वाज और वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल सो क्वेश्चन ऑफ हैज बीन डज नॉट अराइज हैव बीन ये ऑप्शन तो आपका नलिफाई हुआ अ सीरियस फॉरेस्ट फायर वाज कॉज्ड वाज कॉज्ड वाज प्लस पास्ट पार्टिसिपल कॉज्ड यहां तक तो ठीक है हाउ एवर एंड मैनी हाउसेस आर डैमेज यहां पर भी पास्ट फॉर्म है ये तो इसको भी आप वाज या वर् से ही कम, कर पाओगे तो ये आर है तो यहाँ पे ये भी नहीं लगता अ सीरियस फॉरेस्ट फायर हैड 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 बीन 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 अगेन इज सो और ये भी आपका नहीं चलेगा हमें सिर्फ वही ऑप्शन ढूंढना है जिसमें कि ये पास्ट है तो पास्ट के लिए वॉज वर प्लस पास पार्टिसिपल वाला दोनों ही पार्ट में जहां पे ये फॉलो किए वो वही हमारा ऑप्शन होगा अ सीरियस फॉरेस्ट फायर वॉज कॉज इज अमार वॉज प्लस पास पार्टिसिपल कॉज्ड बाय लाइटनिंग एंड मैनी नियर बाई हाउसेज वर डेमेज पास पार्टिसिपल वर्ड पास पार्टिसिपल सो बी एंड पार्टिसिपल so, बी एंड पास पार्टिसिपल ये ऑप्शन जो है वो हमारा पूरी तरीके से फिट बैठता है जो इसकी स्ट्रक्चर है उसको फिट करता है आंसर ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस वुड यू डिस्क्राइब मी अबाउट योर न्यू होम बाकी सारे ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं वुड वुड यू यू डिस्क्राइब मी योर न्यू होम डिस्क्राइब अबाउट योर न्यू होम और योर होम टू मी वुड यू डिस्क्राइब योर न्यू होम टू मी पहला सेंटेंस देखते हैं वुड यू डिस्क्राइब मी डिस्क्राइब एक्सप्लेन उस तरह की वर्ब्स हैं जो कि हमेशा अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखती हैं कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स दोनों को अपने साथ रख सकती हैं जैसे गिव सेंड लेकिन डिस्क्राइब और एक्सप्लेन उस तरह की वर्ब्स हैं जिनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो पहली बात तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक मिस्टेक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की और डिस्क्राइब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये यहीं पे लिख दिया ऑब्जेक्ट और नो प्रपोजिशन इज यूज इनके बीच में डिस्क्राइब और उसके एक्सटेंशन जो है उस एक्शन का यानी ऑब्जेक्ट उसके बीच में कोई प्रपोजिशन भी नहीं होना चाहिए सो डिस्क्राइब मी अबाउट पहली बात तो डिस्क्राइब के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो रॉन्ग फिर प्रपोजिशन डबल डबल मिस्टेक हेंस दिस इज रॉन्ग ऑप्शन वुड यू डिस्क्राइब मी यहां पर प्रपोजिशन नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये भी नहीं चलेगा वुड यू डिस्क्राइब अबाउट अब डिस्क्राइब यहां पर योर होम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है लेकिन प्रपोजिशन भी है तो प्रपोजिशन आएगा नहीं ये भी रॉन्ग वुड यू डिस्क्राइब योर न्यू होम योर न्यू होम इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब इज अ वर्ब द एक्शन इज एक्सटेंडेड टू दिस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट

Who are you looking at? What are you looking at? Who are you looking at? Who or what or whom? They always carry their individual preposition. तो यहाँ पर जब तक preposition नहीं लगेगा तब तक ये sentence correct नहीं होगा Who are you looking at? ऐसा समझिए you are looking at whom? अगर इसका answer भी होता दूसरी तरह से समझ सकते हो I am looking at दिस पर्सन अगर इस क्वेश्चन का आंसर होता है आई एम लुकिंग एट दिस पर्सन सो एट लुक एट लुक एट कंसिडर इट एज फ्रेजल वर्ब सो फ्रेजल वर्ब्स के या फिर वर्ब्स ऐसी जो अपने साथ प्रपोजिशन कैरी करती हैं उनके प्रपोजिशन को आप ड्रॉप नहीं कर सकते इवन इफ दे आर इन इंटरोगेशन सो हू आर यू लुकिंग एट वॉट आर यू स्टेयरिंग एट ये ऐट विल बी यूज नेसेसरी रॉन्ग गिव मी इट गिव अभी पीछे बताया था गिव इज अ काइंड ऑफ वर्ब दैट कैन टेक बोथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकिन अगर दोनों प्रोनाउंस हो तो आप विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंस यू कैन नॉट यूज देम आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं रूल अगर दोनों गिव के बाद में दोनों प्रोनाउंस ही हो तो फिर कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे अब उसमें प्रोनाउंस में हमेशा क्या होगा एक पर्सनल यानी पर्सन को और एक किसी ऑब्जेक्ट को यानी थिंग एक किसी पर्सन को रिफर कर रहा होगा और एक किसी ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा इन दैट सिचुएशन गिफ्ट के साथ में जो आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट को या थिंग को रिफर करने वाला ऑब्जेक्ट ही आएगा अगर दोनों प्रोनाउंस है तब दोनों में से अगर गिफ्ट के बाद में दो ऑब्जेक्ट्स है और उसमें एक नाउन है एक प्रोनाउन है तो आप पहले प्रनाउन को भी रख सकते हो नाउन को भी रख सकते हो दोनों नाउन्स हैं, तो कुछ भी रख लीजिए दोनों प्रनाउंस हैं और प्रनाउंस भी इस तरह के हैं एक पर्सन को रेफर करता है एक ऑब्जेक्ट को, तो पहले ऑब्जेक्ट रखिए फिर पर्सन को रखिए यानी गिव प्लस प्रनाउन रेफरिंग टू ऑब्जेक्ट या थिंग प्लस प्रनाउन रेफरिंग टू पर्सन यह फॉर्मूला आपको यूज करना होगा करेक्ट आंसर क्या होता हैव सीन यू समेर दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट दिस इज पास्ट इफ मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट सो नेक्स्ट क्लॉज और सबोर्डिनेट क्लॉज इज ने इन पास्ट Unless there is some universal fact or statement or some natural phenomenon, natural action, lekin yahan pe natural action और natural phenomenon और yahan pe koi universal truth, koi statement to hai nahi yahan pe yani normal rule apply hoga ये past में है, तो यहाँ पर भी past होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या problem है? I thought as I had seen you somewhere। Yeah, I think I have। और यहाँ पे that की मिस्टेक है आई थिंक यहाँ पर दैट या फिर नथिंग आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर वो कॉन्टेक्ट क्लॉज की तरह आप यूज उसको, उसको कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी कंजंक्शन एट ऑल और वो कंजंक्शन कौन सा होगा एनालाइज करते हुए दैट एज बिल्कुल नहीं होगा आई थिंक दैट आई हैव सीन यू समेर और आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग

रिलेटिव क्लॉज के पहले एंटेसीडेंट है द रीजन और इसमें वॉय क्या है रिलेटिव प्रनाउन द रीजन वाय ये एक वैलिड स्ट्रक्चर है ये रिलेटिव प्रनाउन और ये उसका एंटेसिडेंट और ये वाली रिलेटिव क्लॉज जो है वो एम्बेडेड क्लॉज हो सकती है लेकिन आगे की बात देखते हैं द रीजन वाई ही कुड नॉट कम्प्लीट हिस्स टास्क वॉज वॉज अव रीजन वॉज रीजन वॉज ही डायरेक्टली चल जाएगा बिकॉज की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है बिकॉज इसमें एक रॉन्ग या सुपर फ्लूस एक्सप्रेशन है इसका करेक्ट आंसर सिर्फ क्या है द रीजन वाई ही कुड नॉट कम्प्लीट हिज होमवर्क वॉज ही हैड प्लेड द होल डे या वॉज दैट ही हैड प्लेड द होल डे आप ऐसा समझिए द रीजन वाई ही कुड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क वॉज Awards के बाद में वॉट इज होमवर्क वो आपका आ जाएगा यहाँ पे किसी कोई कंजंक्शन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती बी के बाद में कोई कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती यहाँ पे डायरेक्टली जो आपका नाउन या फिर नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज वो ही चलेगी अब आपको पता है कि बिकॉज से कोई नाउन क्लॉज ना तो बनती है और ना ही यहाँ पे बिकॉज का सेंस आएगा क्योंकि आपने रीजन यहाँ पे यूज कर लिया है रीजन 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 इज या reason was, rather than reason was why, या देन बिकॉज ये स्ट्रक्चर कभी भी नहीं होती सुपर फ्लूस एक्सप्रेशन होते हैं वॉट इज द क्लॉज और नाउन और नाउन फ्रेज वो डायरेक्टली हमें लगा देनी है हमारे पास क्या है बिकॉज ही हैड नॉट ही हैड प्लेड द होल डे यानी कि एक क्लॉज बनेगी तो क्लॉज यहाँ पे क्या हो जाएगी वॉज दैट ही हैड प्लेड द होल डे आपकी नाउन क्लोज है नाउन क्लोज कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रही है यहाँ पे वर्ब बी के मार वॉज वर्ग ये वैलिड स्ट्रक्चर है तो क्या होगा सी पार्ट दिस थर्ड पार्ट कंटेंस एन एर आंसर इज थ्री विच वन इज करेक्ट सेंटेंस फॉर हाउ लॉन्ग हैंग यू बिन सिटिंगयर हाउ लॉन्ग हैव्यू बीन सिटिंग हेयर फॉर लॉन्ग हाउ हैव्यू बीन सिटिंग हेयर फॉर लॉन्ग ऑल स्ट्रक्चर आर पॉसिबल एक एक सेंटेंस को आप देखिए फॉर हाउ लोंग हाउ लोंग वाले जितने भी सेंटेंसेज होते हैं दे डोंट रिक्वायर एनी फोर और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को मैंशन करने वाला या रिफर करने वाला कोई भी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती अगर हाउ लोंग के सेंटेंसेज होते हैं तो हाउ लोंग तो तो ये तो गलत हुआ। फॉर हाउ लॉन्ग कोई स्ट्रक्चर कभी नहीं होगी फॉर हाउ लॉन्ग का मीनिंग ही हाउ लॉन्ग से आ जाता है। have you been sitting here? ये है। ये करेक्ट। लेकिन इसमें इनकरेक्ट इसको देख लॉन्ग तो फॉर लॉन्ग ये अगर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है असर्टिव होती है तो चल भी सकता था। लेकिन इंटेरोगेशन में हाउ लोंग एक साथ यूज किया जाता है तो ये हाउ लोंग ये दोनों एक साथ यूज किए जाएंगे rather than for. तो ये सेंटेंस फिर गलत हुआ ये भी नहीं आया करेक्ट सेंटेंस इज बी ऑनली नेक्स्ट सेंटेंस फंक्शन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड वॉट इज द अंडरलाइंट वर्ड हेयर वार्निंग नाउ वी है थीप इन द नाइट विदाउट वार्निंग अब आप देख लीजिए विदाउट इज अ प्रपोजिशन प्रपोजिशन के पहले क्या हो सकता है और बाद में क्या हो सकता है प्रपोजिशन के पहले वर्ब हो सकती है नाउन हो सकता है एडजेक्टिव हो सकता है और बाद में सिर्फ क्या होगा नाउन या फिर नाउन फ्रेज और नाउन का फंक्शन करने वाली कोई भी ग्रामेटिकल यूनिट एनी ग्रामेटिकल यूनिट दैट फंक्शंस एज नाउन तो बाद में प्रपोजिशन के आप क्या क्या रख सकते हो ये एक वैलिड स्ट्रक्चर होती है प्रपोजिशन की पहले वर्ब नाउन एडजेक्टिव और इवन प्रनाउन भी हो सकता है बाद में सिर्फ क्या होगा नाउन नाउन फ्रेज या प्रनाउन भी कई बार हो सकता है बेसिकली नाउन देखना नाउन या नाउन फ्रेज या फिर नाउन का फंक्शन कोई भी ग्रामेटिकल यूनिट जो नाउन का फंक्शन करती है वो प्रपोजिशन के बाद में आ सकती है अब नाउन का फंक्शन क्या कौन कौन करता है नाउन का फंक्शन नाउन फ्रेज करती है नाउन का फंक्शन नाउन क्लॉज करती है नाउन का फंक्शन जीरेंट नॉनफिनिट वर्ब और भी करता है तो यहां पर अब ये इन्फिनेटिव क्या होता है टू एंड देन वर्ब बेस फॉर्म लेकिन ये तो आई एन जी फॉर्म है तो आई एन जी फॉर्म क्या होती है जीरेंड होती है ये फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां पर क्या हुआ फिर ये व्हाट इज द फंक्शन फंक्शन ऑफ अंडरलाइंट वर्ड अब ये देखिए दो चीजें हैं इसमें आइडेंटिटी और फंक्शन इस वर्ड की आइडेंटिटी तो identity तो क्या है, यहाँ पे ये की की जा रही है. लेकिन इस सेंटेंस में इसका फंक्शन क्या है फंक्शन एडवर्क का फंक्शन है जीरेंट का फंक्शन है फाइनाइट वर्क का फंक्शन है नाउन का फंक्शन है जीरन है इसकी आइडेंटिटी और फंक्शन है इसका नाउन का तो आपका आंसर हुआ डी अगर आइडेंटिटी के बारे में पूछा जाता तो ये जीरेंट आंसर हो सकता था वार्निंग जीरेंट अब काम क्या कर रहा है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यहाँ पे यूज किया जा रहा है आइडेंटिटी अनडाउटेडली इसकी जीरेंट है यानी एज ए वर्ड आप किस कैटेगरी में रखोगे इसको क्या इसकी आइडेंटिटी रहेगी सो इट इज जीरेंट बट जीरेंट काम किसका करता है नाउन का तो हमें नाउन का आंसर ही फाइनलाइज करना है दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अंडरलाइन वर्ड व्हाट इज द अंडरलाइन वर्ड हियर इट इज इंस्टेड बेसिकली इंस्टेड इज एन एडवर्ब इंस्टेड ऑफ इज अ फ्रेज एंड दैट फ्रेज वर्क्स एज ए प्रपोजिशन प्रपोजिशन के लिए उसके साथ में क्या होना चाहिए एक नाउन या नाउन फ्रेज यहाँ पे देख लीजिए सिर्फ इंस्टेड है तो इंस्टेड अनडाउली इट इज एन एडवर्ब वर्ब ना कि एक्टिव वर्ब प्रपोजिशन प्रपोजिशन से कंफ्यूज हो सकते हैं वर्ब और एडजेक्टिव तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे प्रपोजिशन क्योंकि इंस्टेड ऑफ फ्रेज जो कि प्रपोजिशन का, का काम करती है उससे आप कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन वो इंस्टेड ऑफ कंप्लीट फ्रेज है दिस इज सिंपली इंस्टेड आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर में भी फिट करके देख सकते हो ही सेड नथिंग

तो यहां पे ये एडवर्ब भी आपका आंसर होगा प्रपोजिशन होता है इंस्टेड ऑफ देयर आर्टिकल वॉज इन हिंदी इंस्टेड ऑफ इंग्लिश तो इंस्टेड ऑफ फ्रेज जो कि प्रपोजिशन की तरह काम कर रही है उसके पहले क्या है हिंदी नाउन बाद में क्या है इंग्लिश नाउन लेकिन यहां पे क्या है इंस्टेड एज एन एडवर्ब सो दैट इज ऑल फॉर नाउ Hopefully, this video was able to clear your doubts regarding some of the rules of English grammar. We'll come back very soon taking yet another set of MCQs of English grammar. Till then, stay tuned, keep learning, stay motivated, and like this video, share it among your friends so that others are also benefited. And do subscribe to the channel so that you keep receiving these videos at the earliest. Thanks.